एना कोयलोरी में जेम्स के शाखा पुनर्गठन को 4 दिन भी नहीं हुए थे कि यहां एक बार फिर विवाद बढ़ने लगा। नए कमेटी के सचिव राहुल कुमार सिंह को छोड़कर अध्यक्ष राम प्रसाद शाह सहित सशस्त्र पदाधिकारियों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा देते हुए जेम्स के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम को भी सौंप दिया। साथ ही एक पत्र एना कोयलोरी पीओ को भी एक पत्र सौंप इसकी जानकारी दी। इन सभी पदाधिकारियों के साथ इस्तीफा दिए जाने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस संबंध में पूर्व एना शाखा सचिव विजय सिंह ने व नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष नवल किशोर साव ने गुरुवार को अपने आवास एना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। इस दौरान कोषाध्यक्ष नवल किशोर साव ने कुसुंडा एरिया क्षेत्र के जेम्स पदाधिकारी अरविंद सिंह पर आरोप मढ़ते हुए कहा कि एक साजिश के तहत संघ के प्रधानमंत्री सिद्धार्थ गौतम को दिग्भ्रमित कर माइनिंग सरदार राहुल कुमार सचिव को बना दिया गया, जबकि राहुल कभी संघ में सदस्य तक नहीं थे। अरविंद सिंह इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। वहीं 23 वर्षों से जेम्स के ईमानदारी पूर्वक काम करने लाले विजय सिंह को बिना सूचना से ही हटा दिया गया और गुपचुप तरीके से 10 दिसंबर को एना में कमेटी का गठन किया जा रहा है, जहां इस दौरान यहां हंगामा हुआ था। हालांकि बाद में यहां के कमेटी का गठन कर दिया गया। कहा कि यहां विजय सिंह के नेतृत्व में 71 कर्मियों की सदस्यता बनी है, इनके हटने से सभी लोगों के में नाराजगी है। इधर लोगों ने जेम्स के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम से पुनः एना से निष्पक्ष कर्मियों के समक्ष जेम्स की पुनर्गठन करने की मांग की है। इस संबंध में जेम्स महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि कोयलोरी में ऐसा विवाद होता रहता है, मामले को संज्ञान में लेकर सभी को समझा बुझा दिया जाएगा। बाद हमारे क्षेत्रीय सचिव अरविंद सिंह गुपचुप तरीके से यहाँ कमेटी बनाने के लिए आए 10 तारीख को। उसके बाद मजदूर विरोध हुआ और यहाँ किसी को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं था। जिनको पदाधिकारी बनाए हम उनको भी जानकारी नहीं था। उसके बाद में विरोध हुआ, हल्का फुल्का नोकझोंक हुआ। उसके बाद हम लोग इसकी सूचना मतलब कि अपने महामंत्री को दिए, महामंत्री इस पर कोई मतलब कि उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने 12 तारीख को रिजाइन कर दिया। 12 को रिजाइन किया, 13 को उन्होंने नया कमेटी बनाया। नया कमेटी का सभी लोगों ने मिलकर के विरोध किया। 18 सदस्य कमेटी बनी हुई है, जिसमें 17 लोग ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। नहीं, गठन हम क्यों करेंगे, गठन महामंत्री करें। महामंत्री चुनाव करा के कराते हैं, उसका जो प्रक्रिया है, मान लीजिए पहले कमेटी भंग करते, चुनाव कराते, जो चुना जाता चुना जाता। हम लोग इस्तीफा दे दिए हैं। कितने लोग चुनाव? 17 नहीं, हमारे 7 तो पहले इस्तीफा दिए, उसमें कितने लोग थे? हुआ 40 लोग जॉइंटली इस्तीफा दिए दिनांक 12 को, और आज दे दिए हैं। जो 18 सदस्यीय कमेटी बनी है उसमें से 17 लोग ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। पहले कमेटी था, आपको उससे क्या परेशानी थी? कमेटी जो बना था पहले, क्या कोई परेशानी नहीं थी? यहाँ कोई पहले कमेटी रन कर रही थी, अभी नया जो बना इतना अपना मनमाना बनाए, उनकी किसी को नहीं, इनके कमेटी के पदाधिकारी लोगों तक कोई जानकारी नहीं है। गुपचुप तरीके से अपना मतलब नाम कमेटी बनाया गया था, ये सुने कि अरविंद सिंह आए थे, एरिया सेक्रेटरी अपना लिस्ट बना के ले आए थे, यहाँ ले आ करके 4 आदमी से दिखा करके चाहे कि जब कमेटी बना लेंगे। आप लोग किस तरह विरोध कर रहे हैं? हम लोग सभी लोग इस्तीफा दे दिए हैं। आप लोग इस्तीफा पुराने कमेटी वाले से? पुराने कमेटी के जितने लोग थे या नए कमेटी वाले भी, नए कमेटी पुराने लोग, नए कमेटी के 17 लोग दिए हैं इस्तीफा। 18 आदमी से चुप रहो ना तुम, या तो तुम ही बोलो ना हम बोलते हैं। आगे महामंत्री का जो भी निर्णय आएगा उसके बाद आप लोग फिर क्या करेंगे? आगे महामंत्री के निर्णय आने के बाद में जो होगा, हमारे जितने भी सदस्य हैं सब साथ मिलजुल के जो